बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वह है डालगोना कॉफ़ी, जो कि आजकल बहुत मशहूर हो रही है। तो चलिए देखते हैं इस क्विक एंड इजी रेसिपी के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैं 2 गिलास कॉफ़ी बना रही हूँ, तो उसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ 1 गिलास के लिए, अगर आपको 1 गिलास डालगोना कॉफ़ी बनानी है तो आप उसके लिए क्या मेजरमेंट लेंगे। तो उसके लिए लेंगे हम ये 2 टेबल स्पून जाएगा कॉफ़ी पाउडर, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, एंड 2 टेबल स्पून जाएगा शुगर, वाइट शुगर, और 2 टेबल स्पून जाएगा हॉट वाटर। सब की सेम प्रेशर रहेगी फॉर 1 गिलास ऑफ डालगोना कॉफ़ी। यहाँ पर मैं 2 ग्लासेस बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसका डबल प्रेशर, यानी कि 4 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, 4 टेबल स्पून शुगर एंड 4 टेबल स्पून हॉट वाटर ऑल्सो। इसके अलावा इसमें मैं चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें वरना स्किप कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कॉफ़ी बनाना। सबसे पहले हम डीप पॉट लेके 4 टेबल स्पून लेंगे हम कॉफ़ी पाउडर, 1 लेबल्ड होना चाहिए, 2, 3 एंड दिस इज 4 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफी पाउडर एंड 1, 2, 3 एंड 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर एंड द लास्ट वन इज हॉट वाटर, 1, 2, 3 एंड दिस इज लास्ट 4। नाउ मिक्स इट वेल। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप हैंड मिक्सर, उससे आप मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ, उससे ये जल्दी बन जाएगा विद इन 15 to 20 मिनट। तो स्टार्ट करते हैं मिक्सिंग। पहले हम इसको पहले स्पून से थोड़ा मिला लेंगे ताकि ये उड़े नहीं। पहले हल्का सा स्पून से इसको मिला लीजिए। कलर भी हल्का सा चेंज हुआ है और ये देखिए हल्के से थिक भी होने लगी है। और अभी मैं मुझे बीटर चलाते हुए सिर्फ एक मिनट हुआ है, 1 से 2 मिनट, तो ये बहुत जल्दी काम हो जाता है। आप भी इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज़ आपके पास ना हो, आप नहीं करना चाहें तो आप हैंड बीटर से कर सकते हैं, लेकिन उससे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ दोबारा से। जितना ज़्यादा आप बीट करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका कलर चेंज होता रहेगा। पहले से हल्का हो गया कलर, अभी हमें और करना है। और ज़्यादा हल्का हो गया, अभी बस हमें 1 मिनट तक और करना है, फिर हम इसे बंद कर देंगे। एक मिनट हो चुका है और ये बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। ये बोल उठाया मैंने और इसको उल्टा कर दिया, ये देखिए, और ये हटा दिया। देखिए नीचे ज़रा सा भी नहीं टपका और सब इसमें ही फ्लफिनेस इसमें ही है। तो मैं यहाँ तक बीट करना है कि हम जब इसे पलटें तो ये इसमें ही चिपका रहे, नीचे नहीं गिरे। इट्स परफेक्ट। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल एंड में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ चॉकलेट एसेंस, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा अगर आपके पास वो डालें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास था, तो इसको डाल के फिर से एक बार बस फ्यू सेकेंड्स के लिए हम बीट करेंगे। अभी एक्स्ट्रा लगा है बीटर पे वो आप निकाल लें। मैंने डेकोरेट कर लिया अपने ग्लासेस को चॉकलेट सिरप डाल के। ऊपर से डाल देंगे इसमें फ्रेश मिल्क। अच्छा, हमें मिल्क ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मैं ऊपर जो हमने अभी बीट करी कॉफ़ी वो डालनी है। तो हमें थोड़ा सा पोर्शन आधे से बस हल्का सा ऊपर रखना है इसे, जो हमने अभी बीट की थी कॉफ़ी वो इसमें पोर करनी है, इसमें डालनी है।
स्पून हल्का सा नीचे करके और टच करके उठाना है ऊपर झटके से, तो इस तरह की ना शेप आ जाएगी। मेरे पास कोको पाउडर रखा है, मैं कोको पाउडर ऊपर से डस्ट करूँगी। दिखाती हूँ इस तरह लुक आएगा, ऐसे मैं दूसरे में कर रही हूँ।